Delhi World Public School, India's number one emerging school, जहाँ है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9th. ये एक वैन है जिसको रुकवाया हमने और इसके नंबर है RJ01UB0112। ये वैन गाड़ी जो इस पर एक परमिशन लगा रखी है, उस परमिशन में दूसरी गाड़ी के नंबर है और इसमें ये बता रहे हैं रसद विभाग का जो रसद की सामग्री है, रसद विभाग से परमिशन ले रखी बताते हैं और इसमें सामान भर रखा है, लेकिन वो रसद विभाग की जो परमिशन ले रखी है वो दूसरे वाहन की है और उस वाहन की जो परमिशन है वो इस RJ01UB0112 पे लगा रखी है, जो इन्होंने गलत लगा रखी है और इस पर हम जो है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। सर ऐसे ले जा सकते बिना दूसरी परमिशन ले जाओ, दूसरी गाड़ी पे ले जा सकते सामान? बिल्कुल कानून के खिलाफ है ये और ये एक तरह से जो है पुलिस विभाग को ये जो जहाँ जहाँ जाब्ता लगा हुआ है उन सबको ये एक तरह से गच्चा देता आ रहा है। तो किस तरह की कार्रवाई की गई इसमें? अभी इसके कागजात चेक कर रहे हैं और DSO विभाग का भी फोन आया है, वो ये कह रहे हैं कि परमिशन हमारी राशन सामग्री है जो इसके लिए परमिशन दे रखी है, लेकिन मैंने उनको कहा कि ये परमिशन जो दे रखी है आपने दूसरे वाहन की दे रखी है, इसकी नहीं दे रखी है, इन्होंने गलत वाहन पे लगा करके इसका उपयोग करें जो एक तरह से जो है नियमों के विरुद्ध है। ये कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे सामान? राशन सरकारी था या दुकान पर सुनी का था? सरकारी राशन सामग्री जो है ये परिवहन कर रहे हैं, लेकिन ये व्हीकल दूसरा है, जिसकी परमिशन है वो व्हीकल नहीं है और दूसरा व्हीकल काम में ले रहे हैं, दूसरे जिस व्हीकल की परमिशन है उसकी परमिशन इस वाहन पे 112 पे लगा रखी है। आपका नाम? अमर सिंह, अमर सिंह सब इंस्पेक्टर पुलिस थाना क्लॉक टावर। सर